हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञान वर्धक और एक प्रेरणादायक प्यारी सी वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना, लेकिन ये तीन बातें कभी भी स्त्रियों को मत बताना। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञान वर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है, ये तीन बातें कभी भी स्त्रियों को या अपनी पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष ये तीन बातें अपनी स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब रहता है और हमेशा दुखी रहता है। तो दोस्तों, वह कौन सी तीन बातें हैं जो मरते दम कर आपको अपनी पत्नी और स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए? मेरे प्रिय दर्शकों, हम आपको ये तीन बातें एक छोटी सी कहानी से बताने जा रहे हैं। मित्रों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसीलिए आप सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे उन्हें इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज की इस परिस्थिति को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, लेकिन ये तीन बातें कभी भी भूलकर मत बताना। प्रिय बंधुओं, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था। मित्रों, उसने अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया था। और जो राम गोपाल की जो पत्नी थी वो थोड़े बलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय दोस्तों, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेला ही काम करने वाला था। जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था और उसके अलावा कोई भी नगर में गरीब नहीं था। तो हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। तो प्रिय मित्रों, राम गोपाल जो उसके गांव में बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था और उनकी भैंसे चराता था और इन सभी से ही राम गोपाल का खर्चा चल रहा था और उसको दो टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु एक दिन की बात है, तो किसी एक काम के कारण राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था वो सेठ राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है तो वो राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने तुम्हारे अलावा और किसी दूसरे को काम पर रख लिया है और इस वजह से हम आपको नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो अगले महीने की पगार है उसको तुम ले जा सकते हो। फिर राम गोपाल अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने सेठ से आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है। तो राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद राम गोपाल जब अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी नौकरी छूट चुकी है और कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उस दिन के बाद में राम गोपाल अपने घर में ही रहता था क्योंकि राम गोपाल के पास में अब कोई भी काम नहीं था। प्रिय मित्रों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए परंतु राम गोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसको उसके सेठ ने दिए थे और वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है, अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा और हमारे घर में कमाने वाला मैं मात्र एक अकेला हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हम ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए। फिर एक ऐसा समय आता है, फिर राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। राम गोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। फिर एक दिन की रात को राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में भूखा ही सोना पड़ता है। फिर जैसे ही सवेरा हुआ तो राम गोपाल सुबह उठते ही एक जंगल की ओर जाता है। तो जंगल में जाता है, जंगलों में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को वह संत दिखाई देते हैं तो वह राम गोपाल जो संत के नजदीक जाता है, फिर संत राम गोपाल को देख करके अपनी आंखें खोल लेते हैं। राम गोपाल उन विद्यमान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है, कहता है, हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने के लिए दाना पानी नहीं है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपया करके मुझको ऐसा कोई सुझाव दें कि मेरा घर ठीक तरीके से चल सके। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद वह संत राम गोपाल की ओर देखते हैं और वह संत राम गोपाल की ओर देखने के बाद यह महसूस करते हैं कि वो बहुत ही सीधा है और उसने अपने जीवन में अभी तक कोई भी पाप नहीं किया है। उसके
के स्वभाव को देख करके वह विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ, उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे वो तुम्हें लाकर दे देगा, या उस पेड़ की एक छोटा सा भाग या एक छोटी सी टुकड़ी या ये काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी और इस तरह से तुम अपने घर को चला सकते हो और अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, लेकिन संत राम गोपाल को यह बात भी कहते हैं, तुमने इस बात को अगर किसी आदमी या किसी औरत को बताया तो उस दिन के बाद से वह तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। और राम गोपाल तो सीधा साधा था और राम गोपाल संत के बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है। राम गोपाल को उस पेड़ के नजदीक आकर सबसे पहले अपनी बीवी और बच्चों की याद आ गई के बाद राम गोपाल उस पेड़ से सबसे पहले एक बोरी चावल मांगता है। वैसे तो राम गोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है, जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है वैसे ही झट से एक बोरी चावल उस पेड़ के सामने आ जाते हैं। राम गोपाल एक बोरी चावल को लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और वह सब लोग भोजन करते हैं। उस दिन राम गोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं चावल कहाँ से लाया हूँ। तो जैसे ही दूसरे दिन राम गोपाल उस पेड़ के पास जाता है और राम गोपाल उस पेड़ से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है। जैसे ही राम गोपाल 5 सोने की मुद्रा मांगता है वैसे ही वो पेड़ उनको झट से 5 सोने की मुद्रा देता है और राम गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो राम गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। जैसे ही राम गोपाल की पत्नी ने राम गोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे वैसे ही वो पूछने लगी कि आप ये सिक्के कहाँ से लाए हो, तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता, लेकिन राम गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है। राम गोपाल यह भूल जाता है कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ है, वो अपनी सभी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है। उसके बावजूद भी राम गोपाल अपनी पत्नी को सभी बातें बता देता है। ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीतने गए और राम गोपाल ऐसे ही उस पेड़ से 5 सोने के सिक्के मांगकर लाने लगा। तो दोस्तों, एक दिन की बात है कि अंत में राम गोपाल उस वृक्ष से हजारों सिक्के मांग लेता है। तो जैसे ही राम गोपाल सोने के सिक्के मांगता है उसके सामने एक बोरी भर के सोने के सिक्के आ जाते हैं। तो राम गोपाल उस सोने की बोरी को अपनी पीठ पर रखकर घर ले जाता है। तो दोस्तों, राम गोपाल वो सोने के सिक्कों को पा करके और संत का आशीर्वाद पा करके बहुत ही देखते ही देखते वो बहुत ही धनवान हो गया। राम गोपाल के पास में बहुत सारा धन हो गया। राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उससे भी ज्यादा तरक्की राम गोपाल ने कर ली और राम गोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गए। और यह सब देख करके राम गोपाल के गांव वाले दंग रह गए और वह सोचने लगे, यह भुलक्कड़ स्वभाव का राम गोपाल वह इतना धनवान कैसे हो रहा है। दोस्तों, राम गोपाल से कोई भी इस बात को पूछता तो मैं इतनी जल्दी कैसे धनवान हो रहे हो, तो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल से विद्वान साधु ने किसी को भी बताने के लिए मना किया था। परंतु वह लोग राम गोपाल को छोड़ करके राम गोपाल की पत्नी से यह बात पूछने लगे। तो मित्रों, यह तो आपको पता ही है, जो राम गोपाल की पत्नी है तो वह भुलक्कड़ स्वभाव की थी और उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो राम गोपाल की पत्नी ने सारी बातें अपने गांव वालों को बता दी थी कि आखिर मेरा पति कहां से धन लाता है। तो राम गोपाल की पत्नी उनको सारी बातें बता देती है। तो देखते ही देखते राम गोपाल एक दिन उस वृक्ष के पास धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष राम गोपाल को धन नहीं देता है। राम गोपाल कई बार उससे मांगता है लेकिन राम गोपाल के मांगने के बाद भी वो वृक्ष उसको कुछ भी नहीं देता है। तो दोस्तों, उसके बाद राम गोपाल अपने घर पर जाता है लेकिन इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। लेकिन दूसरे दिन जब राम गोपाल उससे वृक्ष के पास फिर से जाता है तो उस दिन भी राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है मगर कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल निराश होकर सोचता हुआ अपने घर की ओर आ जाता है। हे भाग्यवान, मैं उस वृक्ष के पास होकर के आया हूँ लेकिन आज मैंने जब वृक्ष से धन मांगा तो उसने मेरे को कुछ नहीं दिया, कहीं तुमने किसी को वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया। दोस्तों मित्रों, उसको राम गोपाल की पत्नी आप सभी को पता है भुलक्कड़ स्वभाव की थी और वह अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं छुपाती थी और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो राम गोपाल की पत्नी कहती है, हे पति, मुझे जब राम गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन आपके पास कहाँ से आ रहा है तो मैंने उन सबको बता दिया। और इतना सुनते ही राम गोपाल समझ जाता है कि यह सारी करतूत मेरी
उसकी बीवी की ही है। और इसके बाद राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा डांटता है। और दोस्तों इस तरीके से कई महीने बीत जाते हैं और राम गोपाल के पास जो धन था वो धीरे धीरे खर्च होता जाता है। और देखते ही देखते राम गोपाल फिर से अमीर से गरीब होने लगता है। और देखते ही देखते राम गोपाल की स्थिति फिर से वही हो जाती है कि राम गोपाल के घर में खाने के लिए दाना भी नहीं बचता है। दोस्तों फिर से एक दिन राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल के बच्चे उसके साथ भूखे सोते हैं। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे भुलक्कड़, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, अगर मैं तुम्हें ना बताता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चुड़िया चुग गई खेत। इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। फिर मित्रों राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से उस जंगल में जाता है। फिर मित्रों राम गोपाल को वह साधु पूरे वन और पूरे जंगल में नहीं मिलते हैं। राम गोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटों बाद राम गोपाल को फिर से मिल जाते हैं। और संत मिलते ही राम गोपाल उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, हे गुरुदेव, मुझसे आखिर कौन सी ऐसी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो और आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मुझको माफ करें, मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं और मेरी संतान भूखी सो रही है। इसीलिए हे भगवान, आप मेरी सहायता करें। और मित्रों उसके बाद वह संत राम गोपाल से कहते हैं कि राम गोपाल, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु मैं आज तुमको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि मेरी बात यह है कि ये तीन बातें कभी भी अपने पति को, अपनी पत्नियों या अपनी स्त्रियों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन तीन बातों को अपनी पत्नी को बताता है वो सदा के लिए सुख दुखी रहता है और सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। तो दोस्तों उसके बाद विद्वान संत कहते हैं, तो फिर वो संत कहते हैं, राम गोपाल, इन तीन बातों को तुम अगर अमल कर लोगे तो तुम्हारे फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे। तो तुम्हारे पास ठीक उसी तरह से धन आने लगेगा जिस प्रकार से तुम्हारे पास पहले आता था। और दोस्तों वह संत राम गोपाल को पहली बात बताने लगता है। तो वह संत कहते हैं कि कभी भी अपने पति को अपनी कमाई का कोई सा भी जरिया अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप अपनी स्त्री को अगर कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती हैं और साथ ही उस कमाए हुए धन को खर्च करने नहीं देती और साथ ही उस कमाई हुए के रास्ते को पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देती हैं और अपनी भलाई समझकर और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती हैं, जिसमें मान हानि एक पुरुष को ही होती है। दोस्तों जिस प्रकार से राम गोपाल की पत्नी ने राम गोपाल की कमाई का पूरे लोगों को जरिया बताया था, इसीलिए दोस्तों कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए और कमाई का तरीके के बारे में कभी भी अपनी पत्नी या स्त्री को नहीं बताना चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात संत जी ने कही कि अपनी किसी भी पति को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को या अपनी किसी औरत को अपनी कमजोरी बताता है तो वो स्वयं ही फंस जाता है। क्योंकि आप अपनी किसी भी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो फिर वो आपकी इस कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी और उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। अगर दोस्तों आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में सदा के लिए पछताते ही रहोगे। मित्रों इसीलिए किसी भी पति को अपनी पत्नियों को कोई भी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। और तीसरी बात संत जी ने ये बताई कि किसी भी पति को आपके जीवन में किसी भी अपमान के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताने चाहिए। अर्थात जो पति अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है फिर पत्नी आपकी किसी भी छोटे छोटे झगड़ों में उस अपमान के बारे में बोलकर आपसे और उस काम को बोलकर आपको उस काम का हवाला देकर आपको परेशान करेगी और आपको बार बार उसका हवाला देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं और इनके मन में इनकी इच्छाएं छुपी रहती हैं और यह अपनी बातें अन्य लोगों को नहीं बताती हैं। मगर स्त्री अपनी बातों को किसी को नहीं बताती हैं लेकिन दूसरों की बातें जरूर निकलवा लेती हैं। इसलिए आपको अपनी पत्नियों को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, इन तीन बातों को कभी भी नहीं बताना चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तीन बातें जो संत जी ने बताई हैं वो तीन बातें आपको कभी भी अपनी पत्नियों को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो आपको भी पछताना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। तो दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को भी लाइक कर दें।